दिल्ली में मंगलवार को मॉनसून की एंट्री के बाद आज बुधवार यानी 14 जुलाई को लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने के साथ एक तरफ जहां बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया है, तो वहीं बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और ट्रैफिक जाम लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कहा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में खराब मौसम के कारण बुधवार सुबह सेना के जवानों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक जवान शहीद हो गया और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा अरुणाचल प्रदेश के पंगो और पलसी के बीच हुआ। ITBP के अनुसार सैनिक तुरंत वहां पहुंचे और घायल सैनिकों के लिए संभावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपचार शुरू किया गया। राजधानी के लोगों को सबसे अधिक शिकायतें दिल्ली जल बोर्ड से है। इसमें भी गंदे पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी समस्या है। ये दावा प्रजा फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में नागरिक मुद्दों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली वालों की कुल शिकायतों में 47% दिल्ली जल बोर्ड की है, यानी हर 5 में से 3 शिकायतें पेयजल से जुड़ी हैं। इसमें भी 27% शिकायतें गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 plant a day का संकल्प लिए हुए हैं और प्रत्येक दिन एक पौधा लगा रहे हैं। आज स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज ने रुद्राक्ष का पौधा रोपा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में रुद्राक्ष का पौधा रोपा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन एक पेड़ लगा रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश में अब अनेक लोगों ने पेड़ लगाना प्रारंभ कर दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। उत्तराखंड सरकार ने बादल फटने की घटनाओं और जंगलों में आग की रोकथाम को लेकर एक निजी कंपनी के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति इस निजी कंपनी की रिपोर्ट का अध्ययन कर 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। हाल ही में एक निजी कंपनी ने प्रदेश में जंगलों की आग और बादल फटने की घटनाओं को कम करने के लिए कार्य योजना बनाने का दावा किया है। कंपनी ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भी सौंपा है। दिल्ली और हरियाणा के बीच एक बार फिर से पानी का विवाद गर्माता दिख रहा है। पानी की सप्लाई को लेकर छिड़ी जंग के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल को अपना विज्ञापन करने की आदत हो गई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली को जितना पानी दिया जाना चाहिए उतना सप्लाई किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो पानी की एक बूंद भी अपने पास नहीं रख रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में बीते कई दिनों से लोग भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण जबरदस्त तबाही हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके हैं, जहां पर कई जगह पर लैंडस्लाइड्स हुआ है। इसकी वजह से जगह जगह लंबा जाम लगा है और यहां पर आए टूरिस्ट फंस गए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड को करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बर्बादी और तबाही की कहानियां अभी भी सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,792 नए कोरोना केस आए और 624 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर पर बीते दिनों कुदरत का कहर दिखा था। मंगलवार को गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर पर भी आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस वायरल वीडियो को देखकर कई लोगों का कहना है कि भगवान द्वारिकाधीश ने अपने भक्तों को वज्रपात से बचा लिया। पश्चिमी अमेरिका सूखा और गर्मी के बाद भीषण आग से जूझने लगा है। ये आग 10 राज्यों में फैल चुकी है, लेकिन 3 राज्य कैलिफोर्निया, ओरेगन और एरिजोना में सबसे भीषण आग लगी है, जो हर दिन शहरों की तरफ बढ़ रही है। पिछले 14 दिनों में इन तीनों राज्यों का 2,45,470 एकड़ इलाका जलकर खाक हो चुका है। सबसे पहले 9 जून को कैलिफोर्निया में आग लगी थी, इसके बाद ओरेगन में 6 जुलाई और एरिजोना में 9 जुलाई को आग लगी थी, और अब ये आग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।